दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूं ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप यकीन कर पाओगे कि कैसे भूले हुए पिन पेटेंट पासवर्ड को किस तरह से अनलॉक किया जाता है किस तरह से उस पासवर्ड को हटाया जाता है मैं यही बताने वाला हूं इस वीडियो में जी हां देख रहे मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन है जो यहां पे इस तरह से लॉक लगा हुआ है जो यहां पे जो लॉक है यहां पे फोर डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है देख रहे हो सके आप अपने फ़ोन में पैटर्न लॉक लगाए होंगे या तो फिर इस तरह से पासवर्ड लगाए होंगे या तो फिर आप फिंगरप्रिंट और फेस लॉक भी लगाए होंगे बहुत से लोग अपने फ़ोन में सभी तरह का लॉक लगाते हैं फेस लॉक भी लगाते हैं साथ में फिंगरप्रिंट भी लगाते हैं और पैटर्न लॉक भी लगाते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस तरह से लगाए हुए हैं अपने अपने फ़ोन में लॉक आप वो लॉक भूल गए हैं आप अपने फोन को अनलॉक नहीं कर पा रहे तो मैं आपको ऑफलाइन ट्रिक के द्वारा इस पासवर्ड को अनलॉक करके देखाएंगे ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जी हाँ बहुत ही सिंपल ट्रिक है सिंपल वे में आप अपने फ़ोन को आप अपने घर बैठे बैठकर आप उसको अनलॉक कर सकते हैं जी हाँ यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मे... यहाँ पे देख रहे फोन इस तरह से लॉक है जब भी आप इस तरह से देख रहे ये मेन पेज है मेन पेज को मैं इस तरह से स्वाइप किया स्क्रीन को तो यहाँ पे फोर डिजिट का पासवर्ड मांग रहा है देख रहे तो इसी पेज पे आपको एक ऑप्शन सर्च करना है जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल जो ये रहा इमरजेंसी कॉल को मैंने इस तरह से क्लिक किया देख रहे हैं मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे क्या करना है अब यहाँ पे एक कोड बता रहा हूँ जी हाँ एक कोड बता रहा हूँ आप अपने फ़ोन में ये कोड इंटर कीजिएगा जब कोड इंटर हो जाएगा सेम डिजिट आपके फ़ोन में इंटर होना चाहिए अगर एक भी डिजिट आगे पीछे हो जाएगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा देख रहे हैं यहाँ पे इमरजेंसी कॉल्स ऑनली का पेज ओपन हो गया अब यहाँ पे इस तरह से अस्टार हैज अस्टार हैज लास्ट में और शुरू में लगा दीजिएगा और इस तरह से देख रहे कॉल वाला बटन इस तरह से जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से मैसेज आएगा आपको मैसेज को ओके कर देना है देख रहे मैंने कर दिया फिर से करना है फिर से ओके कर देना है फिर से करना है फिर से है, ओके कर देना यानी आपको थ्री टाइम्स इसी कोड पर कॉल करना है और ओके करना मैसेज को जब यह स्टेप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे इसको इरेज कर देना है इरेज कर दिया फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है उसके बाद ही आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा इसके बाद क्या करना है सेकेंड और लास्ट कोड है जिसको बोलते हैं मास्टर अनलॉकिंग कोड स्टार हैच एट डबल नाइन और हैज ये प्रेस करके आप चल जाइएगा एक इंजीनियर मोड में देख रहे हैं यहाँ पे इंजीनियर मोड आ चुका है आपके भी फ़ोन में इस तरह से पेज ओपन होगा जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो देख रहे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जीपीएस ऑटोमेटिक टेस्ट मैनुअल टेस्ट और यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन है आपको सॉफ़्टवेयर वर्ज़न सर्च करना होगा और इस तरह से क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे एंड्रॉयड वर्जन 11 है आप भी अपने फ़ोन में क्रॉ चेक कीजिए कि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड वर्ज़न कौन सा है फिलहाल अगर 11 मिलेगा तो नीचे में एक बेस बैंड वर्ज़न मिलेगा और बेस बैंड वर्जन का लास्ट का जो पी सीरीज है देख रहे पी सीरीज पी ये ये चेक करके चेक करना है कि आपका पी सीरीज कौन सा है एट है नाइन है टेन है इलेवन है फिलहाल हमारा जो पी सीरीज है टेन है यहाँ पे जब टेन मिलेगा तो आपको नीचे में चल जाना है और नीचे में मिलेगा एक फैक्ट्री वर्जन फैक्ट्री वर्ज़न पे जितना पी सीरीज रहेगा उतना ही टाइम्स आपको क्लिक करना है इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन टाइम्स यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है बैक हो जाने के बाद मेनुअल टेस्ट मिलेगा इसको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहला पेज है असेंबली टेस्ट प्रोजेक्ट इसको इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा तो सेकेंड पेज है डिवाइस देख रहे डबिंग डबिंग तो डिवाइस डबिंग में क्या करना है आपको यहाँ पे एम सेंसर नाम का एक पेज मिलेगा जो यहाँ पे इस तरह से मैंने सर्च किया है यहाँ पे इन सेंसर है आपको इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो सेंसर है एम सेंसर का एक्स वाई जेड जो इस तरह से है वो आपस में सिंकुनाइज मोड में है कि नहीं है ये देख रहे इस तरह से जब फास्ट मूव हो रहा है देख रहे तीनों का तीनों इस तरह से चलना चाहिए जब इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा तो समझ जाइए आपका तीनों सेंसर एम सेंसर का सिगोनाइज मोड में आपस में है जब उसके बाद यहाँ से बैक करना है बैक करना है उसके बाद जाडोस्कोप है जाडोस्कोप पर क्लिक करना है यहाँ पे चार ऑप्शन है चार ऑप्शन में से ऊपर से सेकंड ऑप्शन जाड़ोस्कोप सेल्फ टेस्ट इसको क्लिक करना है यहाँ पे देख रहे यहाँ पे इस तरह से पास होना चाहिए जब आपके फोन में इस तरह से पास मिलेगा तो इसको बैक करना है यहाँ से बैक करना है फिर से आप जाइए आ जाइएगा डिवाइस डबिंग वाला पेज पर अब आपको इस तरह से सिलाइट करते हुए एक अदर्स नाम का पेज मिलेगा जी हाँ एक अदर्स नाम का पेज मिलेगा जो यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे मिल गया उसके बाद क्या करना है ऊपर से सेकंड ऑप्शन है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट इसको क्लिक करना है और आपको यहां पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहां पे इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा बॉक्स में लिखा जा रहा है कंफर्म देख रहे हैं यहां पे कंफर्म है आपको फर्स्ट टाइम में क्या करना है यहां पे कैंसिल कर देना जी हाँ फर्स्ट टाइम में कैंसिल कर देना है फिर सेकेंड टाइम में क्लिक करना है आपको सेकेंड टाइम में ओके करना है ये आपके फोन में रॉन्ग पासवर्ड लिखा हुआ आ जाना चाहिए जब ये लिख करके हट जाएगा तो उसके बाद आपको की स्टेटस एक बार गूगल की चेक करना है जब आपके फ़ोन में गूगल की इस तरह से पास मिलेगा तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा तो चलिए हम क्रॉस चेक करते हैं कि ये फ़ोन में जो लॉक लगा हुआ था फोर डिजिट का पासवर्ड वो अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ तो चलिए होम देख रहे हैं, ये होम मेनू बटन को मैं प्रेस किया हूँ और देख रहे हैं हमारा फ़ोन अनलॉक तो हुआ ही साथ में इस फ़ोन का जो डेटा है यानी कि अप्लीकेशन हो फोटोज हो चाहे कॉन्टैक्ट्स हो वो सब का सब इसमें अवेलेबल है तो फ्रेंड्स अभी ट्राई कीजिए आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा अगर अभी भी आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं सब्सक्राइब करने के बाद तो हमारी टीम की ओर से एक आपके जूम पे वीडियो कॉल जाएगी उस जूम वीडियो कॉल में आपके हैंडसेट के अकॉर्डिंग हमारी टीम की ओर से हेल्प किया जाएगा तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा